आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए बाइबल में से रूथ की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 12 पद। लिखा है, और अब सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि बोआज कैसे जानता था कि उससे पहले भी कोई और है जो रूथ को अर्थात नौमी के घराने को छुड़ा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसने पहले से ही खोजबीन कर ली थी। आपने ध्यान दिया कि रूथ से हरी झंडी पाते ही वह तैयार था। वह तो इस पल की प्रतीक्षा में था, परंतु क्योंकि उससे पहले भी एक कुटुंबी था, उसके हाथ बंधे हुए थे। मित्रों, हो सकता था कि यह कुटुंबी बोआज से भी अधिक धनवान था। अब यदि बोआज फसल की कटनी के 6 सप्ताहों में अपनी ओर से रूथ से कहता कि वह उसका कुटुंबी छुड़ाने हारा बनना चाहता है, तो संभावना है या संभावना थी कि रूथ कहती, नहीं धन्यवाद, मैं उस कुटुंबी को समय आने पर अपनाऊंगी, वह आपसे अधिक धनवान है और मैं उसी का हाथ थामना चाहूंगी। तो बोआज को बहुत दुख होता, उसे रूथ के संकेत की प्रतीक्षा थी। और अब जिस पल रूथ ने उस पर अपनी इच्छा प्रकट की, उसी पल उसने कहा, मुझसे पहले एक और कुटुंबी है और पहला स्थान उसका है। कहने का अर्थ यह था कि पहले इस समस्या का समाधान किया जाना आवश्यक है। मेरे विचार में वह एलिमेलेक का भाई था, रूथ के पति का चाचा। इस कारण बोआज ने कहा, मैं तेरा कुटुंबी छुड़ाने हारा बनूंगा, परंतु मुझे पहले इस कुटुंबी से परामर्श करना होगा कि उसकी क्या राय है। आइए हम देखते हैं रूथ की पुस्तक 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, सो रात भर ठहरी रह और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करने को प्रसन्न न हो तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा, भोर तक लेटी रह। मेरे मित्रों, दूसरे शब्दों में बोआज दुविधा में था कि यदि वह कुटुंबी छुड़ाने हारा बनना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा। इस कुटुंबी से छुटकारा पाने की उसके पास एक योजना थी। वह बार बार एक शब्द छुड़ाने हारे पर बल दे रहा था। इस कुटुंबी को रूथ की संपदा को छुड़ाना था, क्योंकि रूथ ने उसे अपने पति से विरासत में पाई थी और वही उसका वास्तविक छुड़ाने हारा भी था। पहला स्थान उसी का था। बोआज रूथ से कहता है कि वह रात वहीं बिताए। वह नहीं चाहता था कि रूथ इतनी देर रात में बैतलहम को लौटे। उस युग में भी सड़कें रात में सुरक्षित नहीं होती थी। न्यायों की पुस्तक में उल्लेख है कि यात्री मुख्य मार्ग से यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि वे सड़कें सुरक्षित नहीं थी। वे खेतों में होकर चलते थे और बोआज इस युवती की रक्षा करना चाहता था। हम रूथ की पुस्तक के 3 अध्याय के 14 पद में पढ़ते हैं, तब वह उसके पांव के पास भोर तक लेटी रही और उससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी और बोआज ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। मेरे मित्रों, इस घटना को गुप्त रखने का कारण स्पष्ट है कि बोआज नहीं चाहता था कि यह पहला कुटुंबी इस बात को जाने, अन्यथा वह बोआज को मार्ग से हटाकर रूथ को पाना चाहेगा। बोआज स्वयं इस विषय को निपटाना चाहता था। अब वह अगला कदम उठाता है। देखिए 3 अध्याय के 15 पद में, तब बोआज ने कहा, जो चदर तू ओढ़े है उसे फैलाकर थाम ले, और जब उसने उसे थामा तब उसने 6 नपुए जौ नापकर उसको उठा दिया, फिर वह नगर में चली गई। दूसरे शब्दों में वह उसे उधार पूर्वक दान देता है। तब हम रूथ 3 के 16 पद में पढ़ते हैं, जब रूथ अपने सास के पास आई तब उसने पूछा, हे बेटी क्या हुआ, तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने कुछ टीकाकारों को पढ़ा है, वे नौमी के इस प्रश्न से कि हे बेटी क्या हुआ का अर्थ निर्धारण उचित नहीं करते हैं। हमें यह पृष्ठभूमि समझना है। मेरे विचार में जब नौमी ने रूथ से कहा था कि वह श्रृंगार करके बोआज के खलिहान में जाए, तब रूथ संभवतः पीछे हट रही थी, क्योंकि नौमी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि वह जाति बाहर है, अतः वहां उसके पुनर्विवाह की कोई भी संभावना नहीं होगी। उसने नौमी से कहा, मैं बोआज को अपनाना नहीं चाहती हूँ,
नौमी ने कहा, मैं समझ गई हूँ कि वह तुझसे रुचि रखता है और विवाह करना चाहता है, अतः अब जो मैं कहती हूँ सुन और ठीक वैसा ही कर। मेरे विचार में तो उसने रूथ को बलपूर्वक भेजा था। अतः जब वह सुबह घर लौटी तो उसने पूछा, हे बेटी क्या हुआ, तू श्रीमती बोअज बनी कि नहीं? दूसरे शब्दों में, क्या मेरा कहना सही था? निसंदेह उसका कहना सही था। हम रूथ की पुस्तक 3 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, फिर उसने कहा, यह 6 नौपे जौ उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूथ को कहा जा रहा है कि रूथ, अब तुम आराम करो, अब आगे का काम बुआज संभालेगा, तुम उस पर भरोसा रखो, छुड़ाने का काम अब उसका है। मेरे मित्रों, यह एक सौभाग्य है कि हमारे पास एक मुक्तिदाता है जिसमें हम भरोसा रख सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि वह हमारा मुक्तिदाता है। ओह, आज वह कैसा वरदान है, उसने मुक्ति का काम पूरा कर दिया है। आपको और मुझे निमंत्रण है कि हम मुक्ति के विश्राम में प्रवेश करें। क्यों कार्य पूरा हो चुका है? मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि अपनी महायाजक की प्रार्थना में उसने पिता परमेश्वर से कहा था, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मेरे मित्र, यह कार्य क्रूस पर किया गया मुक्ति का कार्य था। जब वह क्रूस पर लटका हुआ था, तब आपको स्मरण होगा कि उसने कहा था, पूरा हुआ। हम यूहन्ना के सुसमाचार के 19 अध्याय और उसके 30 पद में पाते हैं, और इस पुकार के साथ ही आपकी और मेरी मुक्ति संपन्न हुई। उसने आपके पापों का दंड चुका दिया था, और अब आपको अपने उद्धार के निमित्त छोटी उंगली उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, उसने ही सब कुछ कर दिया है। E.M. हॉल ने लिखा है, यीशु ने पूरा मूल्य चुकाया, उसी का मैं ऋणी हूँ। पाप का लाल दाग था, उसने बर्फ सा श्वेत धोया। मेरे मित्रों, मुक्ति दिलाना उसका कार्य था। आपको और मुझे तो केवल मुक्ति के इस सिद्ध कार्य में प्रवेश करना है जो उसने हमारे लिए किया। उस पर विश्वास करने वाले मन में एक अद्भुत शांति प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसे यह समझ में आ जाता है कि उसने यह कार्य पूरा कर लिया है। सच तो यह है कि परमेश्वर को आपको नगण्य प्रयास या मेरे नगण्य प्रयास की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे उद्धार के कार्य में हमारी ओर से किसी भी प्रयास की आशा नहीं रखता है। पहली बात तो यह है कि आपके और मेरे पास है ही क्या कि हम उसे दें। आप और मैं तो कंगाल हैं, हमें तो उसी के पास जाना पड़ता है कि जीवन की एक एक वस्तु प्राप्त करें। यही तो क्रूस की ठोकर है जिसके बारे में पौलुस गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को लिख रहा था, क्योंकि आज भी ऐसे अनेक जन हैं जो अपने चरित्र, अपने परिवार या अपनी कलीसिया के बारे में गर्व करते हैं। उनकी समझ में कलीसिया की सदस्यता उद्धार का पर्याप्त शब्द है। वे सोचते हैं कि यदि आप कलीसिया में नियमित एवं अच्छे सदस्य हैं तो परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है, इससे हटकर सत्य है ही नहीं। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि परमेश्वर आपके और मेरे प्रयास का अभिलाषी नहीं है। मुक्ति कार्य या उद्धार संपूर्ण रूप से उसी का कार्य है। वह क्रूस पर मनुष्य के पुत्र के रूप में ऊंचा उठाया गया, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में पढ़ते हैं। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। मेरे मित्रों, यह क्रूस पर किए गए उसके कार्य के आधार पर ही है। परमेश्वर आपको और मुझे बचाता है, और यही कारण था कि वह 2010 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया। इब्रानियों का लेखक कहता है 10 अध्याय के 5 पद में, मेरे लिए एक देह तैयार की। परमेश्वर को बलि और भेंट की आवश्यकता नहीं थी। पुराने नियम में सब पशु बलि यीशु के आगमन की ओर संकेत करती थी। वे मनुष्य को दी गई थी कि मसीह के आगमन की तैयारी करें, संसार के मुक्तिदाता के आगमन की तैयारी करें। उसे ग्रहण करना और उसे स्वीकार करने से ही हमारा उद्धार होता है। वही उद्धारकर्ता या मुक्तिदाता है। मेरे प्रियो, यहां तक कि हमारा विश्वास भी हमें उद्धार नहीं दिलाता है, केवल मसीह हमें उद्धार दिलाता है। श्री चार्ल्स स्पर्जन ने कहा,
यह मसीह पर आपकी पवित्र पकड़ नहीं जो आपका उद्धार करती है, यह मसीह है। यह मसीह में आपका आनंद नहीं जो आपका उद्धार करता है, केवल मसीह। यह मसीह में आपका विश्वास भी नहीं, यद्यपि वह साधन है। यह केवल मसीह का लहू और उसकी योग्यता है। तो देखा आपने कि विश्वास केवल हमें मसीह द्वारा खरीदे गए उद्धार को पकड़ने में सहायक है। आज आप उसमें विश्वास करें या विश्वास न करें, दो में से एक ही बात है, बीच का कोई मार्ग नहीं है। आप या तो उसमें विश्वास करें या अपनी मुक्ति के लिए स्वयं कार्य करें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूत अध्याय 3 का अंत नवमी के आश्वासन के वचनों से होता है। आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। वह रूत से कहती है, हे मेरी बेटी, चुपचाप बैठी रह, तेरे लिए अब करने को कुछ नहीं। तूने उसे छुड़ाने हारा बनाया, बस यही वह चाहता था। छुड़ाने का काम अब उसका है। मेरे मित्रों, जिस प्रकार रूत मुआब से आकर बोआज के मन में और कुटुंब में बस गई, उसी प्रकार हम भी जो परमेश्वर से दूर परदेशी थे, जिनके पास आशा नहीं थी, अब मसीह के लहू द्वारा निकट लाए गए हैं। आज हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हम उसके मन में बस गए हैं और एक दिन हम उसके साथ उसके घर में वास करेंगे। यह हमारा कैसा अद्भुत एवं महिमामय भविष्य होगा कि एक दिन हम उसके साथ होंगे। मेरे मित्रों, इस अध्ययन में हम बोआज का काम देखेंगे। अब तक वह एक ओर शांत खड़ा था, परंतु अब अपनी भूमिका निभाने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि रूत ने उसे अपना कुटुंबी मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया था। मैं श्रद्धा के साथ आपसे कहता हूं, मेरे मित्रों, मसीह भी बोआज की नाई आपके लिए कुछ करने में सक्षम नहीं है जब तक कि आप उसे अपना कुटुंबी मुक्तिदाता स्वीकार न करें। मसीह आपके लिए क्रूस पर मर गया, वह आपके लिए नरक से गुजरा और वह आज आपके मन के द्वार पर खड़ा दस्तखत देता है, खटखटाता है। वह कह रहा है प्रकाशित वाक्य पुस्तक 3 अध्याय के 16 पद में, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। परंतु वह द्वार नहीं तोड़ेगा, आपको उसे भीतर बुलाना होगा। परमेश्वर मसीह यीशु में अनंत जीवन का वरदान देता है। मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि आप अपना हाथ बढ़ाकर उस वरदान को विश्वास के साथ या विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। विश्वास के द्वारा ही आप मसीह को ग्रहण करते हैं। बोआज अब कुटुंबी छुड़ाने हारे की क्षमता में कार्य करने के लिए तैयार है। रूत को तो केवल प्रतीक्षा करना है कि वह सब प्रबंध करे। अब वह खुलकर उसे अपनाएगा और वह वास्तव में अपना सब कुछ वरन स्वयं को भी दांव पर लगा देगा, क्योंकि वह उसे चाहता है, वह उससे प्रेम करता है। यही इस पुस्तक का महान संदेश है। मुक्ति एक रोमांच है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने हमें मुक्ति दिलाई है। हम रूत की पुस्तक 4 अध्याय के 1 पद में पढ़ते हैं, तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे फुलाने, इधर आकर यहीं बैठ जा, तो वह उधर जाकर बैठ गया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि उस युग में नगर द्वार एक प्रकार का न्यायालय होता था, वहीं न्याय की काम अर्थात सुनवाई होती थी। उस युग में नगर के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें होती थी कि बैरी प्रवेश न कर पाएं या लुटेरे न आएं। नगर बहुत संकीर्ण होता था, सड़कें सकरी थी और मकान पास पास बने होते थे। आप आज भी बैतलहम और यरूशलेम के नक्शे का यही रूप देख सकते हैं। वहां प्राचीन नगर आज भी यही परिदृश्य प्रदान करते हैं। रूत के युग में बैतलहम ऐसा ही था। अतः नगर द्वार ही एकमात्र स्थान था जहां से कोई बाहर जा सकता था या भीतर आ सकता था। यदि आपको किसी से भेंट करना है तो आप वहां जाकर बैठ जाएं और आपकी भेंट अवश्य उस मनुष्य से होगी। वहां जाने से बोआज के पास दो कारण थे। वहां न्यायालय लगता था और उसे अपने इस कुटुंबी को न्यायालय में लाना था। दूसरा कारण यह था कि उसे पक्का विश्वास था कि वह कुटुंबी कभी न कभी वहां आएगा, अतः वह वहां जाकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। अब मुझसे यह नहीं पूछना कि उसने कहां कितने समय प्रतीक्षा की, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसने बहुत लंबी प्रतीक्षा की।
अंततः वह पुरुष वहां आया। मैं उनके संबंध को नहीं जानता क्योंकि उस समय संबंधों का विशेष उल्लेख नहीं किया जाता था। बस उनका यही था कि कोई आपका कुटुंबी है या नहीं, भाई या चाचा या किसी भी संबंधी के लिए एक ही शब्द था। मैं जहां तक समझता हूं यह कुटुंबी एलीमेलेक का भाई था। मेरे मित्रों, एलीमेलेक नौमी का पति था, अतः वह रूथ के स्वर्गवासी पति का चाचा था। बोअज ने उसे देखा और कहा, हे मित्र, अब एक प्रश्न उठता है, क्या वह उसका नाम नहीं जानता था? वह निश्चय ही उसका नाम जानता था। हम भी ऐसा ही करते हैं या कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नाम जानते हुए भी कभी कभी अकस्मात ही हम किसी का नाम नहीं पुकार पाते हैं, और बोअज अधीरता के कारण उसका नाम नहीं ले पाया। मुझे पूरा विश्वास है कि बोअज उसका नाम जानता था। दोनों ही बैतलहम में रहते थे और सगे संबंधी भी थे। वह आकर बैठ गया। बोअज के शब्द उसके लिए आज्ञा स्वरूप थे। मेरे विचार में उसकी प्रतिक्रिया रही होगी, बोअज को हो क्या गया है, यह कटनी का समय है, किसी के पास समय नहीं है और बोअज मुझे रोक रहा है। निश्चय कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, अति विचित्र बात है। अतः वह जिज्ञासावश रुक गया और बोअज के मन में ऐसा क्या बात थी जो उसे बोलना चाहता है। आइए हम पढ़ते हैं रूथ के पुस्तक 4:2 में। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलवा कर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। मेरे मित्रों, यह स्पष्ट है कि ये 10 वृद्ध न्यायी थे। यह न्यायालय था, न्यायालय का कार्य आरंभ हो चुका था। आपने उत्पत्ति की पुस्तक में देखा है कि सदोम नगर में आने वाले उन दूतों ने लूत को नगर द्वार पर बैठा पाया था। लूत उस नगर का उपन्यायी था। उस युग में भी नगर द्वार न्यायालय का काम करते थे। नगर द्वार में बैठने वाले पुरुष न्यायी होते थे। अतः बोअज ने न्यायालय में प्रार्थना रखी और वे सुनवाई के लिए तैयार हो गए। बोअज का वाद तैयार था। उसकी युक्ति पर ध्यान दीजिए जो अति प्रशंसनीय है। रूथ की पुस्तक 4:3 में लिखा है, तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नौमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। मित्रों देखिए, बोअज अपनी बात कैसे प्रस्तुत करता है। उसकी मुख्य रुचि रूथ में थी, परंतु वह उसका नाम आरंभ में नहीं लेता है। क्या इस पद से संकेत मिलता है कि बोअज भी एलीमेलेक का भाई था? इब्रानी भाषा में इस शब्द भाई का अर्थ था निकट संबंधी। वास्तव में इन दोनों पुरुषों के एलीमेलेक से संबंधों में अंतर था, या एक कुटुंबी दूसरे से अधिक निकट कुटुंबी नहीं था, उसे बोअज से अधिक निकट कुटुंबी होना था। बोअज कहता है कि विषय भूमि के एक टुकड़े का है। हर भूमि छुड़ाने वाले कुटुंबी का नियम देख चुके हैं। यह नियम उस समय प्रभावी होता था जब किसी की भूमि किसी कारण किसी अन्य मनुष्य के हाथ में चली जाती थी। नौमी का परिवार अकाल के समय चला गया था। जब वह लौट कर आई तब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे अपनी भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए जुबली वर्ष तक प्रतीक्षा करनी थी, और मेरे विचार में वह समय बहुत दूर था। तब अब क्या होगा? क्या कोई कुटुंबी छुड़ाने हारा आगे आएगा? बोअज इस कुटुंबी का ध्यान रूथ की अपेक्षा एलीमेलेक की भूमि की ओर आकर्षित करता है। वह पूछता है कि क्या वह कुटुंबी उस भूमि को छुड़ाएगा। मेरे विचार में यह तार्किक युक्ति है। व्यक्ति के छुड़ाए जाने से पूर्व उसकी भूमि छुड़ाना आवश्यक था। अतः बोअज ने कहा, रूथ की पुस्तक 4:4 में, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले, और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। मेरे मित्रों, दूसरे शब्दों में बोअज उसे यथोचित मान प्रदान करता है। अब प्रश्न यह है कि क्या वह कुटुंबी छुड़ाने हारा बनना चाहता है? क्या वह नौमी के लिए जुबली वर्ष से पूर्व उसकी भूमि छुड़वाएगा? अब रोचक बात तो यह है कि वह तैयार हो गया, मैं उसे छुड़ाऊंगा। इससे प्रकट होता है कि वह एक दयालु व्यक्ति था और वह इस संबंध में अपना कुटुंबी उत्तरदायित्व निभाना चाहता था।
मैं जहां तक समझता हूं कि यदि कोई पुरुष कुटुंबी छुड़ाने हारा ना हो तो उसकी आलोचना की जाती थी, वरन उसका अपमान होता था। और मेरे विचार में उसके हाँ कहते ही बुआज का दिल बैठ गया होगा, परंतु वह हिम्मत हारने वाला नहीं था। वह तो इस स्थिति के लिए तैयार ही था। और अब वह अपनी बात प्रकट करता है कि भूमि छुड़ाने से बढ़कर एक बात और है। हम रूथ की पुस्तक के 4:5 में पढ़ते हैं, फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नौमी के हाथ से मोल ले, तब उसे रूथ मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुओं की स्त्री है, इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि बोआज कह रहा हो, मैं तुझे यह बताना भूल गया कि इस भूमि के संबंध में तुझे एक बाधा का सामना करना होगा। रूथ नाम की एक युवती है जो मोआबी है और इस भूमि से संबंधित है, क्योंकि उसने एलीमेलेक के पुत्र से विवाह किया था। अब क्योंकि एलीमेलेक और उसका पुत्र मर चुके हैं, वह इस भूमि की वारिस है। अतः उस भूमि के साथ साथ तुझे उस मोआबी स्त्री को भी छुड़ाना होगा, अर्थात उससे विवाह करना होगा, क्योंकि वह इस भूमि से बंधी हुई है। मेरे विचार में बोआज ने समस्या स्पष्ट कर दी थी। मित्रों, आप देख सकते हैं कि बोआज ने रूथ की नागरिकता उसे साफ साफ बता दी थी, वह एक मोआबिन है। मूसा की व्यवस्था, जिसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23:3 में विशेष करके हम पाते हैं, कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। मित्रों, इसका अर्थ यह हुआ कि रूथ से विवाह करके वह अपनी ही भूमि संकट में डाल देगा, परंतु बोआज यह खतरा उठाने के लिए तैयार था। और सच तो यह है कि बोआज खुशी खुशी ऐसा करेगा। वह उससे प्रेम करता था और कैसा भी बलिदान करने के लिए तैयार था। यह दूसरा कुटुंबी रूथ को नहीं जानता था, वह तो केवल उसे एक मोआबिन समझता था। उसने चाहे उसकी कितनी भी प्रशंसा सुनी हो, वह निश्चय ही उससे विवाह नहीं करना चाहता था, और उसने स्पष्ट कर दिया। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मोआबिन स्त्री से विवाह करना चाहता है, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानता है, जो रूथ है, और दूसरा व्यक्ति जो उसका कुटुंबी है, जो उसे छुड़ा सकता है, जो छुटकारा दे सकता है, वह उसे विवाह करना नहीं चाहता है, क्योंकि वह उसे नहीं जानता है, उसके बारे में उसने सिर्फ सुना है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मेरे और आपके लिए भी एक इसी प्रकार की शिक्षा है। हम कई लोग मसीह के बारे में सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसे हम ग्रहण नहीं करते हैं। आज आप में से कितने लोग हैं जो नज़दीक से उसे जानते हैं, अपने जीवन में उसे जानते हैं? यदि आप उसे जानते हैं तो निश्चय ही आप उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज से 2010 साल पहले इस पृथ्वी पर आपके और मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया और मर गया, गाड़ा गया, ताकि मैं और आप उस भयानक मृत्यु से बच जाएं और उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करें। मेरे मित्र, आज प्रभु आपको बुला रहा है, आपके जीवन में उद्धार देना चाहता है। क्या आप उस परमेश्वर को सिर्फ जानते हैं या उसे अपने जीवन में भी आमंत्रित करना चाहते हैं? मित्रों, निर्णय आपको लेना है।